कभी कभी आप किसी से बात करते हैं, कोई कुछ कह देता है, इरिटेशन हो जाती है, होती है। कभी कोई उल्टी सीधी बात, गलत बात बोल देता है, इरिटेशन हो जाती है। कभी कोई एग्जैक्ट बात नहीं बोलता तो भी इरिटेशन हो जाती है, होती नहीं होती है। तो कल रात मैं खारगे जी के साथ डिनर खाने गए, वहां पे उन्होंने पूरी मतलब वाजवान खिला दी। अब खारगे जी की मुश्किल है, वो उनको वो केरला गए थे, उनका वहां पे ट्रीटमेंट हुआ। अब खारगे जी नॉन वेजिटेरियन है, मगर डॉक्टर ने उनको कह रखा है कि भैया आपको 15 दिन वेजिटेरियन खाना खाना है। तो कल वाजवान का मजा नहीं ले पाए। वाजवान के बाद मैंने सोचा मैं जाके आइसक्रीम खा लूं, तो मैं आइसक्रीम पार्लर में गया। वहां पे हम बैठे थे, वहां पे बातचीत चल रही थी, तो वहां पे जो आइसक्रीम खा रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि आपको जम्मू और कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं। मुझमें अंदर एकदम इरिटेशन आई। मैंने कहा नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, ये अलग चीज है। तो मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं मतलब हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। दो तीन और चीजें कहूंगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है, और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना